श्रोताओं, मैं आपके बीच में तीसरा भाग डाल रहा हूँ। ज़्यादा समय भी न मिले लगे नहीं और आप लोगों का समय भी व्यतीत हो। परमात्मा के चरणों में जैसा भी समय निकले उसको स्वीकार करना और श्रवण करना, यही परमात्मा का इच्छा भी रहती है, मनुष्य का कल्याण भी होता है। जिनके श्रवण मात्र से हम लोग, जहाँ कहते हैं कि वैकुंठ फलदायकम, जिसके श्रवण से वैकुंठ इसका फल है। परमात्मा को अगर आप समय देते हो तो परमात्मा आपको वैकुंठ देता है, सुख देता है, नाना प्रकार के सांसारिक सुख देता है। इसलिए भागवत का तीसरा भाग आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। द्वितीय स्कंद का है, 10वां अध्याय आपके बीच में है, जहाँ सुखदेव जी बोले कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10वें आश्रय लक्षण की विशेष शुद्धि के लिए 9 लक्षण महात्मा लोगों से सुने। अर्थ करके अनायास वर्णन करते हैं अथवा श्रुतियों से कहते हैं। अब 10 लक्षणों का वर्णन कहते हैं। नभ, मही, जल, तेज, वायु, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, पायु, उपस्थ, पद, कर, वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय है। नाक, कान, रसना, त्वचा, नेत्र, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। ये 10 लक्षण बताए हैं। अहंकार, मन, बुद्धि, अंतकरण, इन पंचभूत मात्र इंद्रियों की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा ने गुणों की विषमता होने से विराट पुरुष से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम विसर्ग रखा। वैकुंठ का विजय यही है कि परमात्मा की रची हुई मर्यादाओं का पालन करना, इसका नाम स्थान है। ईश्वर ने बताए हुए मार्ग का हम लोग स्वीकार करें। जो सद्गुणों को, राम को हम क्यों अपना मानते हैं? क्योंकि उन्होंने, उनके अंतरंग में गुण थे तो हमारे आदर्श बने हैं। इसी तरह से अपने जीवन में गुणों को उद्भव करते हुए, उस गुणों को स्वीकार करते हुए, गुणों के मार्ग के ऊपर चलना, ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति बताई है। अपने भक्तों पर कृपा करना, इसका नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपतियों का जो धर्म वा सद्धर्म, इसका नाम मनवंतर है। कर्म की वासना का नाम उति है। आदि पुरुष नारायण के अवतारों का चरित्र और इनके पीछे जो महात्मा पुरुषों को नाना प्रकार के आख्यानों की अधिक वार्ता का नाम ईश कथा है। इस ईश्वर की योग निद्रा के पश्चात शक्ति और उपाधियां सहित लय हो जाने का नाम विरोध है, निरोध है। रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मुक्ति है। जो सृष्टि को उत्पन्न, पालन और लय करता है, जिनको परब्रह्म कहते हैं, उसी का नाम आश्रय है। जो ये आध्यात्मिक पुरुष है वही ये आदिदैविक है। जो इसे विभक्त है वही आदिभौतिक है। एक को एक के अभाव में जब नहीं प्राप्त होता है, उसमें जो द्रक रूप सूर्य वपु स्त्री ताप को जो जानता है वही अपने आश्रय हैं, उनको भी आश्रय कहते हैं। जब विराट पुरुष अंडों को भेद कर बाहर निकले तब अपने रहने के लिए स्थान की इच्छा की। आप ईश्वर पवित्र हैं, इस कारण पवित्र जल की रचना की। अपने रचे हुए जल में 1000 वर्ष तक वास किया। तदनंतर परब्रह्म सच्चिदानंद ने नर रूप धारण किया, इस कारण नारायण नाम हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता नारा अयनम यश्य नारायणा। नार का नाम जल का है, उसे जिसका स्थान हो वो नारायण हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनवा अयनम तस्य वा प्रोक्तम तेन नारायणा स्मृता। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव जिनकी कृपा से होता है और जिनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं होता। एक परमात्मा ने जब नाना प्रकार के होने की इच्छा की तब योग शैया से उठ सुवर्णमय अपने वीर्य के 3 भाग किए, आदिदय, आध्यात्म और आदिभूत। इनको ईश्वर ने रचा। एक पुरुष का वीर्य 3 प्रकार के भेदों को प्राप्त हुआ, वह तुम ध्यान से सुनो। जब विशेष चेष्टा की तब पुरुषों में से इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, देह शक्ति ये हुई और सब में मुख्य प्राण हुए।
सब जीवों में ईश्वर प्राण चेष्टा करता है, तब सब इंद्रियां चेष्टा करती है। जो चेष्टा का त्याग करता है तो प्राण भी चेष्टा त्याग करते हैं। जैसे राजा के पीछे राजा का भृत्य, राजा चले तो भृत्य भी चले, राजा खड़ा हो जाए तो भृत्य भी खड़े हो जाते हैं। एक देह जो परमात्मा ने रची तब उसमें प्राण ने प्रेरणा की, तब भूख प्यास हुई, तब जल पीने और भोजन करने के प्रथम सुख निकला। यहाँ ये बात जाननी उचित है कि तालु अधिष्ठान है, जिह्वा इंद्रिया है, नाना प्रकार के रस विषय है, वरुण देवता है, ये सर्वत्र जान लेना। मुख से तालु हुआ, वहाँ जिह्वा हुई, जीभ से अनेक प्रकार के स्वादों का ज्ञान हुआ, फिर कुछ बोलने की इच्छा हुई, उस समर्थ जिह्वा के अग्नि देवता वाणी इंद्रिय से सुंदर शब्द निकला। परंतु जल में वचन की रुकावट होती है। नासिका की पवन जब अत्यंत चलायमान हुई तब नासिका हुई। वायु जिसका देवता है वो सुगंधाता घ्राण इंद्रिय सूंघने को हुई। जब देखने की इच्छा हुई न देखा वो देवतात्मा करुण गुण करने वाली चक्षु इंद्रिया हुई। जब वेद वचन सुनने की इच्छा हुई तब दिशा देवता वारी देवता श्रोत्र श्रवण इंद्रिया गुणों के ग्रहण करने वाले कान निकले। वस्तुओं की कोमलता कठिनता लघु गुरु उष्ण शीत के ज्ञान की इच्छा हुई। तब केश रोम जिसमें रुक्ष समान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुई। बाहर भीतर पवन में प्रवेश गुण वारी त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हुआ। उसमें सर्व लोकों को पालन करने वाले पवन देव ने प्रवेश किया। जब अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब बल इंद्रिय इंद्र देवतात्मक सब पदार्थों के धरने उठाने के कर्म योग्य दो हाथ बने। जब उसकी इच्छा हुई कि जहाँ मेरा मन हो वहाँ जाऊँ तब विष्णु भगवान जिनके देवता यज्ञाधिक के समाधिक लाना और अनेक कर्म करके तथा तीर्थगमन योग्य चरण प्रकट हुए। जब इच्छा हुई कि पुत्र हो विषय आनंद अमृत सुख हो तब शिष्णक इंद्रिय प्रजापति जिनके देवता काम प्रिय लिंग बनाया जो दोनों कार्य करें। भोजन करके उपरांत जब उसके मल त्यागने की इच्छा हुई तब वायु इंद्रिय मल त्याग कर्मयुक्त मित्र देवात्मा उभय कार्य साधक गुदा हुई। जब इस देहरूपी पुरी से देहरूप पुरों में जाने की विलासा हुई तब नाभि द्वार की अपान वायु से अपान द्वारा मृत्यु होना पृथक होना दोनों कार्य साधक नाभि उत्पन्न हुई। जब अन्न पानी ग्रहण करने वाली इच्छा हुई तब कोश कुक्षी आते नाड़ियाँ हुई। नदियाँ समुद्र कोश पानी के देवता हुए। तुष्टि पुष्टि उनके आश्रय रूप हुए। ईश्वर की माया से अत्यंत चिंतन की इच्छा हुई तब हृदय हुआ। उस हृदय में मन चंद्रमा देवता समेत संकल्प काम इत्यादि हुए। त्वक चर्म मांस रुधिर मेदा मज्जा हाड़ ये सप्त धातु हुई। सप्त प्राण और ये सप्त धातु ये भूमि जल वायु आकाश से होते हैं। सब इंद्रियां गुणों से होती है और गुण अहंकार से होते हैं। मन सब विकास का स्वरूप है। बुद्धि विशेष ज्ञान रूपिणी है। ये नारायण का स्थूल रूप मैंने तुमसे कहा जो पृथ्वी आदि से 8 आवरणों से बाहर व्याप्त है। माया से सूक्ष्मतम अव्यक्त विशेष रहित अनादि मध्यअंत अनंत सदा एक रूप वाणी मन से परे वो परमात्मा है। ये दोष गुण निर्गुण रूप आदि पुरुष नारायण के मैंने तुमसे वर्णन किए। परंतु इस माया से रचे हुए लोग दोनों को ग्रहण नहीं करते। भक्तवत्सल ब्रह्म रूपधारी कुछ कर्म नहीं करते। ये परमेश्वर कर्मकारक वाच्य रूप से नाम धारण करते हैं और वाच्य रूप से रूप किया धारण करते हैं। जो जो रूप यशोदानंदन जगत कार्य के अर्थ धरते हैं वो हम आपसे कहते हैं। प्रजापति मनुदेवता ऋषि पितृगुण गण पृथक पृथक सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर सूर गुह्यक किन्नर अप्सरा नाग सर्प वानर उरक सप्त मातृका राक्षस पिचाज भूत प्रेत विनायक कुष्मांड उन्मादकारी ग्रह वैताल यातुधान ग्रह पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत रेंगने वाले जीव सरीसूप स्थावर जंगम रूप दो प्रकार के जीव और जल स्थल आकाशवासी जीव उत्तम नीच कुछ कर्म दोनों ही मिले हुए हैं। ये कर्म की गति है। ये सब रूप भगवान के धारण किए हैं। हे राजन सत्व रजतम तीनों से देवता मनुष्य नार के जीव होते हैं। उनमें भी एक एक गति तीन तीन प्रकार से भेद को प्राप्त होती है। जब एक और गुण से और प्रकार का हो जाता है तब स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है
उसकी गति भी उसी प्रकार हो जाती है। वही भगवान वासुदेव धर्मरूपधारी जगत के धारण करने वाले इस विश्व के तिर्यक पशु पक्षियों में अवतार लेकर इसको स्थापना कर पुष्ट करते हैं। इसके उपरांत काल अग्निरूप रुद्रांतर्यामी ईश्वर जिसने ये सब रचा हुआ है, इस संसार का काल से संहार किया है, जैसे मेघ के समूह को पवन उड़ा देता है, इसी प्रकार से भगवान भक्त वश्य का वर्णन किया। इस भावों के बिना प्रकार से बड़े बड़े विवेकी लोग भी उन्हें नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर को जन्मादिक और कर्म कर्तापन के भाव माया से होते हैं। ये ब्रह्मा का कल्प विकल्प सहित कहा, जहाँ साधारण विधि है जिसमें प्राकृत वैकृत सर्ग होते, परिणाम कल्प लक्षण विग्रह स्थूल सूक्ष्म काल को तृतीय स्कंद में कहेंगे। अब पाद्य कल्प संपूर्णता से कहते हैं वो सुनो। शौनक जी बोले, हे सुत जी, जो तुमने कहा कि हमने भागवतम विदुर जी को समझा है, जो त्याग ने अयोग्य बांधवों को त्याग कर पृथ्वी के सब तीर्थों में विचरण फिरे, मैत्री जी और विदुर जी का संवाद जिसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन था, अथवा मैत्री जी ने पूछने उसने उनसे पूछा तो विदुर जी उनसे क्या तत्व ज्ञान कहा, हे सौम्य, उन विदुर जी का कथन वर्णन करो। बांधवों के त्यागने का कारण और फिर भी किस कारण लौटना हुआ, विस्तार सहित वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, जो राजा परीक्षित ने व्यासनंदन सुखदेव जी से पूछा था और भोपाल से जो कुछ भगवान महामुनि सुखदेव जी ने कहा, वो राजा के ही प्रश्नानुसार हम तुमसे कहेंगे, ध्यान लगाकर सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायां पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम दशमो अध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब मैं आपको तीसरा स्कंद सुना रहा हूँ, जहाँ छोटे भाई पांडु के अनाथ पुत्रों को लाक्षा भवन में प्रवेश करवा कर उनके जलन की इच्छा हुई। जिस समय सभा में अपनी पुत्रवधु राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी अपने अश्रु जल से पयोधरों को कुमकुम को धो रही थी, उसके केशों को पकड़कर दुशासन ने खींच रहा था, यह पुत्र का कुकर्म देखकर भी धृतराष्ट्र उसको निवारण नहीं किया। अधर्म में जुए में हारे हुए सीधे सत्यवादी पांडव 12 वर्ष वन में बस जब घर आए तब पुरोहितों को भेजा और अपना राज्य मांगा। और महाप्रतापी राजा युधिष्ठिर जिनका कोई शत्रु नहीं, उनको अधर्मी दुर्योधन से भी धृतराष्ट्र ने भाग देना नहीं स्वीकार किया। जिस समय युधिष्ठिर के भेजे हुए जगतगुरु श्री कृष्णचंद्र ने सब पुरुषों को अमृततुल्य वचन सभा में सुनाए, तब नष्ट पुण्य धृतराष्ट्र ने उन वचनों का कुछ मान न किया। जिस काल में धृतराष्ट्र का बुलाया हुआ विदुर भवन में प्रविष्ट होने पर बड़े भ्राता धृतराष्ट्र ने मंत्र सलाह के वास्ते पूछा, और इनके अनंतर मंत्र के जानने वाले श्रेष्ठ विदुर जो जो मंत्र कहे उसको मंत्री सभा में अब तक भी ये विदुर नीति है ऐसे दृष्टांत देते हैं। जो जो विपत्ति युधिष्ठिर के सहने योग्य न थी वो भी उसने सही, यह असह्य अपराध के सहने वाले युधिष्ठिर का अंश तुम दे दो। सब भ्राताओं को सहित सर्प रूपी भीमसेन क्रोध से श्वास ले रहा है जिससे तुम सदा भयभीत रहते हो। विदुर जी फिर कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, तुम भीमसेन और अर्जुन के समान बलवान नहीं हो, और अपने मन में यह अभिमान मत करो कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि पांडवों के पृष्ठ रक्षा में श्री यदुनायक का हाथ अग्रसर है और उनके श्री मुकुंद ने निज भाव से ग्रहण किया है। वो मुकुंद स्वयं भगवान है, जिनके साथ एक देवता और मुनीश्वर है अपनी द्वारिकापुरी में विद्यमान है, कहीं चले नहीं गए हैं। फिर वह द्वारकानाथ यदुवंशी राजाओं के पूज्य है और उनके संग यदुवंशी भी बलवान और एक से गुण निधान है, और जिन वासुदेव भगवान ने बड़े बड़े राजाओं को जीतकर स्वाधीन किया, इसलिए सब राजा लोग भी उनके पक्ष में सहायक। इससे केवल पुत्रों की धीरता और वीरता जो अभिमान है उसको छोड़कर पांडवों को उनका भाग दे दो। सोए श्री कृष्ण के विमुख दुर्योधन विनष्ट श्री होकर दोष रूपधारी तुम्हारे घर में घुसा है, जिसको तुम पुत्र बुद्धि से स्पुष्ट करते हो। कृष्ण विमुख श्री नष्ट एक दुर्योधन के कुल की कुशलता के अर्थ शीघ्र त्याग करो, जिसके कुल का विनाश न हो वही अपत्य है। अत्यंत शीलवान विदुर जी उस समय सभा में ऐसा कह रहे थे,
कि इसको सुन दुर्योधन को अत्यंत क्रोध और कोप बढ़ा, होठ फड़फड़ाने लगे और लाल लाल नेत्र पर बोला, इस दुष्टों को यहाँ से निकालो। इसी प्रकार कर्ण, दुशासन, शकुनी ने भी उसका तिरस्कार किया। उन्होंने कहा था, इस कपटी को यहाँ किसने बुलाया है? ये दासी पुत्र हमारा पाला हुआ हमारे ही प्रतिकूल शत्रुओं की कुशल चाहता है, इसलिए इस जीते हुए अमंगल की शीघ्र नगर से निकालो। ये दुर्योधन ने विदुर जी महाराज का पूरी सभा में अपमान किया था और अपमान करने के बाद विदुर जी महाराज ने जो सत्य बात थी, भगवान के बताए हुए मार्गों को अनुसरण न करना और अपने मन के ही सारी बातें, मनगढ़ंत बातें बताना, यही अधर्म बताया है। ये इसी विषय में भागवत में चर्चा हो रही। पवित्र आत्मा सदा तीर्थों में स्नान करते, पृथ्वी पर शयन करते, शरीर के संस्कार नहीं करते, अवधूत वेश में रहते हैं, वलकल वसन पहन रूप को छिपा कर अवधूत भेष बनाकर व्रत करने लगे जिसमें परमात्मा प्रसन्न हो। इसी भांति भारतवर्ष में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए। तब उस समय राजा युधिष्ठिर पुंडरीकाक्ष कृष्णचंद्र की सहायता से पृथ्वी पर एक क्षेत्र राज्य करते थे। जैसे बासों के वन में बासों के रगड़ने से अग्नि निकल बासों को जलाकर निरुत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में अपने स्वरूप कौरव पांडवों का विनाश सुना कि परस्पर ईर्ष्या करके भस्म हो गए, उनका अत्यंत शोक किया। फिर चुप होकर पूर्ववाहिनी सरस्वती निकट गए। उस सरस्वती के निकट एकादश तीर्थ है, ब्रह्मा विष्णु शिव तीर्थ, शुक्राचार्य का मंदिर, मनु का स्थान है, पृथु का भवन है, अग्निकुंड है, शनिचर का चित्र है, वायु का वास स्थान है, सुदास राजा की प्रतिमा है, गौशाला है, स्वामी कार्तिकेय का मंदिर है, श्राद्ध देव मनु की सभा, इन सब का विदुर जी ने सेवन किया और ऋषियों के देवता बनाए हुए विष्णु के स्थान पर वहीं जिनके विष्णु संपूर्ण अंग की शोभा करने वाले आयुध मुख्य जो सुदर्शन युद्ध से चिन्हित शोभायमान अनेक प्रकार के मंदिर है, उनके दर्शन से श्री कृष्ण का स्मरण होता था। वहाँ मंजन करते फिरते थे। सुराष्ट्र, रुद्ध, सौवीर, मत्स्य, कुरु, जांगल इन सब देशों के यथाक्रम उल्लंघन करके यमुना पुलिन पर आए वहाँ परम भागवत उद्धव को देखा। विदुर जी महाराज ने तीर्थ यात्रा करके उद्धव जी के सामने आकर उद्धव जी के दर्शन हुए। श्री कुंज विहारी के अनुचर प्रशांत बृहस्पति के नीति शास्त्र के पहले विख्यात शिष्य उद्धव को हृदय से लगा। विदुर जी मिले और भगवत की प्रजा और अपने इष्ट मित्रों की कुशल की विदुर जी ने जिज्ञासा की और फिर पूछा कि रामकृष्ण कुशल है? जिस पुराण पुरुष अपने नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी की सेवा में प्रसन्न हो, यह अवतार लिया और पृथ्वी का कुशल विधान पर अब इस समय अवकाश से सूर्यसेन से ग्रह में विराजित है, कुरु के परम सौहृदय हमारे भगिनीपति परम पूज्य वासुदेव जी कुशल है? जो अति सुंदर वासुदेव जी अपने जा मात्रा से बहुत धन दे तृप्त कर सूर्यसेन के समान सदा धन दान देते रहे, सब सेना के सेनापति यादवाधीश महावीर प्रदुम्न कुशल है, जिसे मदन के अवतारों को रुक्मिणी पूर्व जन्म में अनेक प्रकार की आराधना कर पाया, सात्यकी, रश्मि, भोज, दास्य, अर्हक इनके स्वामी उग्रसेन महाराज सुखी है, नृपासन, आशा त्यागी उग्रसेन का कमल नयन भगवान के स्वयं नृपासन त्याग अभिषेक किया। हे सौम्य उद्धव, महारथियों में अग्रगण्य वृंदावन विहारी समान सिलवान जैसे पूर्व जन्म में शैलसुता भगवान ने स्वामी कार्तिकेय को उत्पन्न किया, उसी प्रकार व्रत करके जाम्बवंती ने जिन्हें उत्पन्न किया वह श्री कृष्ण तयन सांब अच्छे है, जो गति यतियों को महादुर्लभ है वह श्रीपद नायक की सेवा में सहज में प्राप्त हुई, और जिनको अर्जुन से धनुरहस्य प्राप्त हुआ वह शांत रूप सात्विकी सुखी है, अत्यंत बुद्धिमान निष्पाप भगवान के शरणांगत आठोयाम श्री कृष्ण के प्रेम रस से जो मग्न सब लज्जा को तज व्रज की रज में लौटने वाले स्रवफलक सुत अक्रूर तो आनंदसी है, देवक नाम भोजन की भोज की कन्या आदिदी के समान सब जगत के स्वामी आदि ब्रह्मा अविनाशी त्रिलोकीनाथ
जिनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को जिन्होंने गर्भ से इस प्रकार धारण किया जैसे वेदत्रयी यज्ञ के विश्रुत को धारण करती है, वो देव की प्रसन्न है। आपके भगवान उपासकों की कामना दाता अनिरुद्ध तो कुशल है, जिनको शब्द शास्त्र से कारण मनोमय अंतकरण के चतुर्तत्व द्वेद मानते हैं। हे विद्वज्जन, अपने आत्मदेव अनन्य वृत्ति से जो और भगवत परायण है वो सुखी है। राधिकादिक सत्यभामा के पुत्र और चारुद्वेष्ण गद आदि भगवान के पुत्र प्रसन्न हैं। अनु श्री कृष्ण के भुजाओं से धर्मावतार युधिष्ठिर धर्म के सेतु की रक्षा करते हुए जिनके सभा में विषय जय की अनुवृत्ति और सम्राटपन की लक्ष्मी से दुर्योधन तपता हुआ अपराधकारी कुरुओं में क्रोधि भीमसेन सर्प के सदृश महाच घोर श्वास लेने वाला गदा ग्रहण कर विचित्र मार्गों में विचरे जिस भीमसेन के चरण के धमक धरती नहीं सहन कर सकती वो पवनसुत भीमसेन प्रसन्न है। उद्धव जी महाराज को विदुर जी महाराज ने नाना प्रकार से इस तरह के प्रश्न करके सबके कुशल क्षेम पूछे। भागवत विदुर जी से उद्धव से पूछे, तब वृंदावन विहारी के विहार में उद्धव सब सुधि बुधि विचार कर खड़े हो गए और मुख से कुछ न कह सके। जिस समय उद्धव 5 वर्ष के थे तब बाल लीलाओं में श्री गोविंद के चरण विंद की पूजा करते रहते थे और जब प्रातःकाल मैया भोजन को बुलाती थी तब भी न जाते थे। उद्धव जी उनकी सेवा करते करते अब वृद्ध हो गए थे। श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल स्मरण कर जो कुछ जिज्ञासा किया उसे वर्णन करने लगे। श्री कृष्ण के चरणामृत और पूर्ण भक्ति के अत्यंत मग्न हो अति सुख पाकर मुहूर्त मात्रा में मौन हो गए और पुलकायमान हो नेत्र मुंद शोक तज प्रेम प्रवाह में निमग्न सब अर्थ परिपूर्ण से दशा हो धीरे धीरे भगवान के ध्यान से फिर संध्यानुसंधान में आकर असुर निवारण कर उद्धव जी फिर विदुर जी से बोले। उद्धव जी महाराज भगवान के ध्यान में इतने निमग्न होकर वो समाधि अवस्था भाव समाधि भी कहा जाता है इसको। हे विदुर, हमारे नेत्रों के तारे श्री कृष्ण रूप सूर्य अस्त हो गए और काल रूप अजगर ने सब शोभित ग्रहों को डस लिया है। अब मैं किसी की कुशल और प्रसन्नता कहूँ ये सब लोग भाग्यहीन हैं और यादव तो सब महाअभागे हैं, प्रारब्ध के मंद है जो आदि पुरुष अविनाशी के निकट वास करते रहते हैं तो भी लोकनाथ विश्वात्मा को नहीं पहचान सके। जैसे एक समय सुधाकर किसी शाप से जल निधि से मीन होकर रहा परंतु किसी जलचर ने नहीं जाना कि ये अमृत की खान है, अथवा जैसे मीन अवतारों को जलचर में संसार तारक नहीं समझा और कहीं ऐसा भी लिखा कि समुद्र मंथन से पहले चंद्र रूप हरि को संसार ताप हारक नहीं मानी, इसी प्रकार हमारी गति जानो। ये भगवान इतनी निकट होने के बाद भी ईश्वर को ना कौरव वंश समझ सके ना यदुवंश समझ सके। ये निकटता प्राप्त करने के कारण ही परमात्मा को भी एक साधारण पुरुष समझकर उसके साथ उसी तरह से व्यवहार यदुवंशियों ने ये उद्धव जी महाराज विदुर जी को बता रहे। भगवत चित्त के ज्ञाता अति निपुण एक स्थान में सदा रहने वाले यादवों ने यदुनाथ यादव श्रेष्ठ जगन्निवास ईश्वर को अपना मित्र करके माना। असत पदार्थ के अधीन असुराधिक ईश्वर की माया से फंसे हुए थे। उनके वाक्य से आत्मस्वरूप हरि में जिनका चित्त लग गया ऐसे हमारे सदृश भक्तों की बुद्धि नहीं भ्रमती, तप नहीं किया, अतएव दृष्टि तृप्त नहीं हुई। जिनके ऐसे मनुष्य को संसार में नेत्र स्वरूप कृष्णचंद्र अपने मनमोहन रूप का दर्शन दिखाकर आप अंतर्धान हो गए। जिन्होंने नर लीला के योग्य अपनी योग माया का बल दिखाने को शरीर ग्रहण किया सो अपने को विस्मय करने वाले अत्यंत सौभाग्य रिद्धि के भंडार भूषण के भूषण श्री भगवान वासुदेव है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में दृष्टि से आनंददायक मदन मोहन की मनोहर छवि देख तीनों लोकों में यह माना कि ब्रह्मा की सृष्टि आज श्री कृष्ण चंद्र के श्री अंग से सब चतुराई बिखर गई, क्योंकि सब अवतारों के अंग चतुरानन ने रचे हुए नहीं है, आप स्वयंभू है। जिनकी परम सुख दायक प्रेम युक्त अनुराग रस भरी मुस्कान तिरचित चितवन देख सुधारस मधुर वाणी सुख सुंदर राम विलास देख दृष्टि स्व बुद्धि से न जाने जाए अपूर्ण मनोरथ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मन बुद्धि संसार में अतिलिप्त होने के कारण आत्मदृष्टि
साधारण व्यक्ति को या उच्चतम व्यक्ति को नहीं समझ सकता है। अपने मन एक सांसारिक नीच बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य साधारण बुद्धि के साथ में साधारण ही समझता है। श्री मानवती ब्रज वाला ऐसी हो गई कि ब्रज बिहारी के जान जाता है, देख उसे संग अपने नेत्रों को भी भेज दिया है। हमारे प्यारे अकेले जाते हैं और आप अपनी सुधी बुद्धि विसार ठगी सी रह गई। भगवान अपने शांत अशांत रूप से मध्य जो अशांत रूप दैत्य उनके दुखारी दासों पर दयालु हो। देहधार परम पर अव पर अवर के ईश महाअंश के युक्त अजन्मा ईश्वर के जन्म लिया। जैसे महाभूत रूप से नित्य वसने वाली अग्नि काष्ठ में प्रकट होती है, इसी प्रकार अवतार घर सब दुष्टों को मार भूमि का भार उतार देता है। उद्धव जी बोले, ये अतर्क्य ये अगम्य ये चरित्र समझकर मुझको भी खेद होता है। अजन्मा भी वसुदेव जी के घर में जन्म ले और ब्रज में सब घर घर घूमे, शत्रुओं के भय से भयभीत रहे, ऐसे अनंत बलधारी होकर भी जरासंध के भय से द्वारका बसाई और मथुरा तजकर भाग रहे। हे विदुर, इन बातों को स्मरण करके मेरे चित्त में व्यथा और हंसी दोनों आती है, क्योंकि जब माता पिता के चरणारविंद का वंदन करे बोले कि हे तात, हे जननी, हे अपराध क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो, कंस की शंका से आपकी सेवा मुझे कुछ बन नहीं पड़ी। जिन्होंने चलायमान भ्रू विकुट रूप यम धर्मराजा के पृथ्वी का भार उतारा, उनकी चरणारविंद की रज को कौन ऐसा मूर्ख है जो भूल सकता है। ये भगवान के विषय में उद्धव जी महाराज विदुर जी को बता रहे कि भगवान इतना साक्षात होने के बाद भी अपने माता पिता को क्षमा याचना करते हुए फिर भी ये साधारण रूप में आकर भी साधारण ही मनुष्य के साथ में उसी तरह से उन्होंने जीवन यापन किया। धर्मराजा के राजसोई यज्ञ में श्री कृष्ण की निंदा कर शिशुपाल को जो सिद्ध प्राप्त हुई वह आपने देखी। जिस सिद्धि के सुंदर योग से योगीजन मोक्ष को प्राप्त होते, ऐसे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंदवन वियोग कौन सह सकता है। इसी प्रकार भारत के युद्ध में वीर मनुष्य नेत्रों के आनंददायक श्री कृष्ण के मुखारविंद का रस नेत्रों से पान करने लगे। अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होकर भीष्मादिक वीर लोग बेखट वैकुंठ को चले गए। आज श्री कृष्ण के समान कोई बलवान और उसके अधिक नहीं है। अपनी राजलक्ष्मी सो भोग जिनको प्राप्त है, वो लोकपाल ब्रह्मादिक शुक्रादिक बलिदान पूर्वक जिनके चरणारविंद की चौकी को अपने किरीटी के अग्रभाग से स्तुति करते हैं, वो प्रभु सुधर्म सभा में राजसिंहासन पर बैठे और उग्रसेन से कहते थे, हे देव, आप हमको निरंतर धारण करो। उन्हीं की ये बात सुनकर हम दासों को बड़ा विस्मय होता है। आश्चर्य की बात है कि महादुष्ट पुतना राक्षसी ने स्तनों से कालकूट लगा मारने की इच्छा कर दूध पिलाने के बहाने यशोदा नंदन को गोद में लिया और उसको यशोदा माता ने के समान मानकर गति दी। ऐसे दीन दयालु परम कृपालु श्री कृष्ण प्यारे के बिना जिसके शरण जाए, देखो महाक्रोध से असुरों ने श्री कृष्ण के मन लगाया। हम उनको परम भागवत मानते हैं जो संग्राम में गरुड़ जी के ऊपर चढ़ अपने सन्मुख आए हुए श्री कृष्ण के दर्शन कर वैकुंठ को गए। कंस के बंधन में वसुदेव देवकी के घर पृथ्वी का भार उतारने की ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर अवतार धारण किया। दुष्ट कंस के भय से वसुदेव जी ने नंद के घर ब्रज में पहुँचाया। वहाँ एकादश वर्ष अपने तेज को गुप्त करके ब्रज में वास किया और अनेक प्रकार के चरित्र दिखलाए। ग्वाल बाल समेत गोपाल लाल से गाय वत्स चराते हुए कालिंदी के कुल पर कुंज में वृक्षों से वहाँ कोकिलादिक पक्षियों के समूहों में मनोहर शब्द करते और नवल ललिता का लयलहा रही उस उपवन में नित्य प्रति विहार करते थे। मुग्ध तथा बाल सिंहनी तरह है देखना उनका, जिसका ऐसे श्री कृष्ण चंद रोते हुए भी और हंसते हुए भी योग्य बाल अवस्था को सुख ब्रजवासियों को दिखाया। जब बाकी बिहारी अधिक बड़े हो गए तब लक्ष्मी का स्थान गोवर्धन के निकट गो बैलों को चराते हुए बांसुरी बजा बजा कर ग्वाल बाल लोक संग अनेक अनेक ढंग से रास रंग इत्यादि खेल किया। उस समय महाबली कंस ने भेजे बड़े बड़े बलशाली दैत्य नाना प्रकार के रूप धरकर ब्रज में आए। उनको भक्त हितकारी
बाके बिहारी ने बाल्य क्रीड़ा से विध्वंस कर वैकुंठ को भेज दिया। जिस प्रकार बालक धरुआ बनाकर बिगाड़ देते, फिर भगवान ने फिर विष जलपान करने से मरे हुए गो पर गायों को लीला से काली दह में कुल कालिया नाग नाथ कर अपना चरण चिन्ह उनके मस्तक पर लगाकर रमण दीपक पहुँचाया। कालिंदी का जल निर्मल करके जल गोप तथा गायों का पान कराया। फिर ब्राह्मणों को द्वारा समर्थ भगवान ने नंद जी को गो को पूजा के अर्थ यज्ञ कराया। अपनी प्रतिष्ठा का भंग समझकर इंद्र ने क्रोधयुक्त हो ब्रज पर मुसलधारा जल बरसाया। तब गोप ग्वाल बछड़ों को दुखी देख मंगल की इच्छा कर श्री ब्रजनाथ ने कुटुंब के समान गोवर्धन को उठाकर बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण कर ब्रजमंडल की रक्षा की। शरद शशि की श्री ब्रजनाथ ने कद्दू के समान गोवर्धन को उठाकर बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण कर ब्रजमंडल की रक्षा की। शरद शशि की विमल किरणों से प्रकाशित रजनी मुख को देख मनमोहिनी सुरीली मनोहर गीत गाकर ब्रज बालाओं को बुलाकर उनके साथ विहार किया। ये भगवान ने इतने बड़े स्वयं पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले नारायण, इतना होने के बाद भी एक अंश न जगत व्यापत एक अंश न जगत विनाश, फिर भी एक साधारण अपने भक्तों के लिए इतनी लीला है, ये उद्धव जी महाराज उस परमात्मा का बड़प्पन का वर्णन कर रहे हैं। फिर सांदीपानी गुरु के घर जाकर उनके मुख से चारों वेद एक बार में विस्तार सहित पढ़ 64 कला स्मरण की। फिर गुरु के मरे हुए पुत्रों को पंच जन के उदर से लाकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी को दे दिया। फिर श्री महालक्ष्मी जी के सदृश रूपवती रुक्मिणी जी की विवाह इच्छा कर अनेक भूपालों के साथ ले राजा शिशुपाल विहाने आया। उसको भगवान वासुदेव ने सबको देखते बड़े बड़े नरेश को मध्य से उन लोगों को शीर पर पग धरकर रुक्मिणी को इस प्रकार हर लाए जिस प्रकार पक्षीराज अमृत हरण किया था। फिर रघुवीर अवध नगर में जो 7 बैल थे, बैल को नाथ कर स्वयंवर में सत्या नग्नजीत की पुत्री के संग विवाह किया। बैल को जिनका मान भंग किया उन अत्याचारी नाग्नजीती के अभिलाषी अज्ञानी शस्त्रधारी दुष्टों को आपने शस्त्र से विध्वंस किया। जिस प्रकार सत्यभामा प्रिया के प्रेम निमित्त संसारी मनुष्य के सदृश पारिजात समूह उखाड़ लाए और जब सब दल समेत क्रोध से अंधा स्त्रियों के मध्य से मरकट विषय इंद्र श्री कृष्ण चंद्र से लड़ने को आया तो क्षण मात्र में गर्व प्रहारी बाकी बिहारी उनका गर्व दूर किया। फिर श्री वैकुंठनाथ ने संग्राम में बड़े लंबे भौमासुर का चक्र से वध किया। उसे गिरा देख उनकी माता पृथ्वी से अत्यंत व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना की। भूमि की विनय सुन उनके पौत्र भगवत दत्त को राजतीर रख दे। उनके भवन में गए, वहाँ भौमासुर द्वारा हरी हुई 16,000 भूपालों की कन्या वृंदावन विहारी की बाके छवि देख शीघ्र उठ अति हर्षित हो लाज अनुरागी चितवन में मन ही मन विवाह की अभिलाषा की और उन स्त्रियों को मंदिरों में एक मुहूर्त मात्र में अपनी माया से उनके चित्तानुसार हो विवाह योग्य विधिवत पानी ग्रहण किया। फिर उस 16,000 युवतियों को द्वारका में ले जाकर 16,000 स्थान में एक संग बसे। तब उन सब रानियों के गुणों से अपने समान 10-10 पुत्रों को एक एक स्त्रियों में माया को अनेक प्रकार करने से इच्छा से उत्पन्न किए। फिर काल्यवन जरासन शल्वादिकों को सेना ने जब द्वारका को भेजा तब उनका विध्वंस किया, अपने पूर्वजों के दिव्य तेज को जागृत किया। फिर शंभरासुर द्विदिवानर बानासुर मूर निकुंभ वलबल और दंत वक्रादिक जो बड़े बड़े बलवान असुर थे उन्हीं में से किसी ने अपने मारा और किसी को औरों के हाथों से कालक वलित कराया। इनके पीछे तुम्हारे भ्राता के पुत्रों को और जो नरेश थे उनकी सेना आने से कुरुक्षेत्र की भूमि कंपित हुई। कर्ण दुशासन शकुनि के कुत्सित परामर्श जिनकी राज्य लक्ष्मी आयु नष्ट हुई, पवन कुमार भीमसेन ने घोरी युद्ध करके जिह्वा जिनकी जंगा तोड़ी उसको पृथ्वी पर अचेत पड़ा देख श्री कृष्ण कुछ प्रसन्न नहीं हुए। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह अर्जुन भीमसेन जिनके मूल थे उन 18 अक्षयनी न होने से क्या लाभ हुआ। मेरे अंश प्रदुम्न और असह्य यादव रूप अभी है, भूमि पर बड़ा भारी भार तो इन्हीं का है। जब मीठी वारुणी के मद में
मत वाले हो, यादव लोग परस्पर विवाद करें, उनके सहार करने का सहज उपाय है, इनके मरने का दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि और न ये जब हम इस काम को प्रारंभ करेंगे तो आप ही नष्ट हो, सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। ऐसे विचार कर भगवान ने अपने राज्यों को स्थापित कर श्रेष्ठ रीति दर शाकर सरदय सहित आनंदित हुए। साधु अभिमन्यु ने विराट पुत्री की उत्तरा में गर्भधारण किया, उसको द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट किया चाहता, पन उस गर्भस्थित बालक की प्रणतपाल दीनदयाल त्रिलोकनाथ ने रक्षा की। फिर सामर्थ्यवान जगतपति ने 3 अश्वमेघ यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने करवाए। राजा युधिष्ठिर वासुदेव की कृपा से भ्राताओं को समेत पृथ्वी पर विहार करते रहे। तदनंतर भगवान विश्वात्मा ने लोक और वेद के मार्गानुसार द्वारावती में वास कर शांक्य शास्त्र मन लगाकर सब प्रजा की शिक्षा के कारण धर्म कर्म किए। मनोहर मुस्कान की दृष्टि से और सुधा भी निंदित करने वाली मधुरवाणी से लक्ष्मी निवास शरीर से सबको आनंद देते रहे। इस लोक और लोक में निरंतर यादव का रमन कराया। 16,000 रमणियों से आप रमन करते रहे। बहुत वर्ष तक रमन करते करते श्री कृष्ण को ग्रस्त आश्रम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो हरि किसी ने आधीन नहीं हुए, अपने कार्यों में स्वतंत्र परमात्मा को वैराग्य हुआ। जो जिनके काम पराये अधीन हैं और आप भी जो पराधीन हैं, उनमें कौन ऐसा योगेश्वर है जो भगवत का भजन करता हुआ दैवाधीन कार्यों में प्रीति करेगा। एक समय द्वारकापुरी में यदुवंशों के बालकों द्वारा खेल में मुनियों से हंसी कराई, तब भगवत इच्छा से अनुकूल मुनि ने उनको महाघोर शाप दिया। फिर मांस पश्चात तृष्ण भोज अंधक आदि प्रसन्न हो रथ पर ऐसे बैठे देव से विमोहित हो प्रभा क्षेत्र में गए। वह स्नान कर उसी जल से ब्राह्मणों से आज्ञा ले भोजन किए। फिर वारुणी पान करने से ये सब यादव वीर ज्ञान शून्य हो गए और परस्पर बुरी बुरी बातें कर मर्मस्थान में वचन बाण एक दूसरों से मारने लगे। उस मद के दोष से उनके चित्त विषम हो गए। सूर्य अस्त होने के समय जिस प्रकार बाज घिसकर अग्नि को उत्पन्न होने से नष्ट हो जाते, ऐसे ही परस्पर वो लड़कर शापाग्रस्त से नष्ट हो गए। भगवान अपनी माया से इस प्रभाव को देख सरस्वती नदी के आचमन कर एक वृक्ष की जड़ में बैठ गए। उस समय शरणांगति पीड़ा से नाशक अपने वंश से विध्वंस देख करने वाले भगवान ने मुझसे कहा कि तुम बद्रिका आश्रम जाओ। यद्यपि उनके अभिप्राय को मैं भली प्रकार जानता था, तो भी मैं शत्रु विनाशकारी दैत्यारी श्री वासुदेव जी ने पीछे पीछे गया, क्योंकि यदुनाथ के कोमल चरणों का वियोग मैं सहन नहीं कर सकता था। तब मैं वृंदावन विहारी के चरण चिन्ह खोजता हुआ सरस्वती के तट पर पहुँचा। देखा तो राधा चित्त चोर श्री कृष्ण स्वतंत्र अकेले वहाँ बैठे हैं। श्याम सुंदर शुद्ध सत्वमय शांत लाल नेत्र वाले चार भुजाधारी आनंद स्वरूप पीताम्बर धारण किए, दाहिना चरण बाह्य चरणों पर स्थापित किए, पीपल फेफड़े पेड़ के निकट बैठे, पुष्ट शरीर जिन्होंने संपूर्ण विषयों का त्याग कर दिया, वह दैव इच्छा से महाभाग व्रत व्यास जी से सूर्योदय सका मैत्री जी भी विचरण करते हुए आ निकले। तब भक्त अनुरागी आनंद भाव से नीची ग्रीवा किए मेरे सन्मुख मेरे हास्य की दृष्टि से विश्राम दे। आनंदित होकर मुनीश्वर से श्री वज्रनाथ जी बोले, हे वसुदेव, हे वसुरूप उद्धव, तुम्हारे मन की जो गति है वो मैं भली प्रकार जानता हूँ और तुम्हारी अभिलषित वस्तु तुमको दूंगा जो औरों को प्राप्त नहीं होती। प्रथम ईश्वर के रचयिता वसुओं के यज्ञ में मेरे सिद्धि की कामना से तुमने मेरा यजन किया था। हे तात, मेरी कृपा से यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसी जन्म में तुम मेरे अनुग्रह का फल भोग लो। अब मैं मृत्यु लोक त्याग वैकुंठ जाता हूँ, इस समय मेरा एकांत में एकांत भक्ति से दर्शन करो, यही परमानंद है। पहले पाद्यकल्प की आदि सृष्टि में कमलासन ब्रह्मा जी से मैंने अपनी लीला का प्रकाशक परम श्रेष्ठ ज्ञान कहा था, जिसको महाज्ञानी परम चतुर विद्वान लोग भागवत कहते हैं, वही ज्ञान प्रथम मैंने तुमको दिया। अब तुम उस विमल ज्ञान को धारण कर सांसारिक माया मोह से निर्मुक्त हो मेरा भजन करो। ऐसे आदर से जब कृपा निदान ने मुझे समझाया, तब मैं आपके अनुग्रह का प्रतिक्षण के लिए
पात्र हो गया। ऐसे उनसे प्रेम से रोमांचित गदगद वाणी शोकाश्रुओं को बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे यीशु, हे प्रभु, यद्यपि संसार में तुम्हारे पद पंकजों का सेवन करने वालों को चारों पदार्थों में सब पदार्थ व्याप्त हैं, तथापि मैं भी आपके चरण कमल का सेवक हूँ, परंतु मुझको उन पदार्थों किसी भी इच्छा नहीं है जो अघटमान हैं। वो कहते हैं जो चेष्टा न करे, अकर्ता में कर्म, अजन्मा में जन्म, शत्रुओं के भय से भागना, काल की आत्मा, असंख्य रमने के विहार करना, अपनी आत्मा से सदा रमन करना, ऐसे तुम्हारे अद्भुत चरित्र देखकर इस संसार में सब विद्वानों की बुद्धि खेद से प्राप्त होती है। हे देव, हे प्रभु, सब काल में अखंड अंतर्यामी जगत के कारण आ जाने की नाई मुझे निकट बुलाकर मंत्र पूछते हैं और मुझे बढ़ाई देते हैं। इस कारण मेरा मन आपको चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहता। अपने आत्मा का एकांत में प्रकाश करने वाला संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा से तुमने कहा है, हे स्वामी, जो मेरे जानने योग्य हो वो कहो। जिस अनायास संसार में दुख से हम सब तरे, ऐसे प्रीति जान श्रीवासुदेव भगवान कमलानयन आत्म परम स्थिति का ज्ञान कहा। तब मैंने उसी प्रकार भगवान वसुदेव का आराधना किया। उनके चरणामृत से प्रताप से अपने आप तत्व आत्मा के ज्ञान का मार्ग मुझको प्राप्त हो गया। तब मैं उनके चरणों को प्रणाम कर परिक्रमा दे विरह में आतुर हो ये आया हूँ। उनके दर्शन प्राप्ति के हर्ष और वियोग की पीड़ा से खेत को प्रभु से प्रिय बद्री का आश्रम मंडल को जाऊँगा, जहाँ नारायण देव और नर ऋषि सब उपद्रव्य रहित दुच्चर रूप कल्प पर्यंत सब लोकों में अनुग्रह करके कार्य करते हैं।